अगर किसी देश का प्रधानमंत्री अपने संभावित दुश्मन देश के सैनिकों का पेट भरने के लिए अनाज उपलब्ध करवाए तो उसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, एक ऐसा देश जो आने वाले समय में आप पर हमला कर सकता है और आपका प्रधानमंत्री उसके सैनिकों को अनाज पहुंचा रहा है, सुनने में ये अजीब लगता है लेकिन ये सच है। यही किया था हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू ने चीन के 1,00,000 सैनिकों को चावल पहुंचाए थे, वो भी एक दो बार नहीं बल्कि करीब 3 साल तक नेहरू चीन के सैनिकों का पेट भरते रहे। अगर आपको लग रहा है कि चीन के सैनिक किसी पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे या किसी शांति मिशन पर थे तो आप गलत हैं। नेहरू जिन चीनी सैनिकों को चावल खिला रहे थे वो चीनी सैनिक उस वक्त तिब्बत में मानवता का कत्ल कर रहे थे। जी हाँ, हिंदुस्तान का चावल खाकर चीनी सैनिक तिब्बत में मासूम शांतिप्रिय और लाचार इंसानों का खून बहा रहे थे। यह हमारे इतिहास का वो शर्मनाक पन्ना है जिसे 7 तालों में कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई अगर आपको पता चल गई तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारी सरहद पर चीन ने जो कत्लेआम मचाया है उसकी जड़ में कौन छुपा बैठा है। लेकिन सच छुपाने का खेल अब और नहीं चलेगा, तो आइए तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बेनकाब करते हैं उन चेहरों को जिन्हें आपके सामने हमेशा मसीहा बनाकर पेश किया जाता रहा है। बात 1950 की है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू न केवल चुप रहे बल्कि एक तरह से चीन का साथ देते रहे। यह शर्मनाक कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है बल्कि यहां से यह शुरू होती है। हुआ यूं कि 6 अक्टूबर 1950 को 40,000 चीनी सैनिक तिब्बत में दाखिल हो गए और कमाडो से लेकर ल्हासा तक तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया। चूंकि तिब्बत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मुल्क था, इसलिए इस पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए माओ ने करीब 1,00,000 सैनिक तिब्बत में तैनात कर दिए। तिब्बत तक सैनिक पहुंचाना तो फिर भी आसान था लेकिन उन्हें वहां तैनात रखने के लिए चीन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। दरअसल उस समय तिब्बत के लोग चावल नहीं खाते थे और इसलिए वहां आसपास चावल की पैदावार भी नहीं होती थी, लेकिन चीन के सैनिकों की पहली और इकलौती जरूरत चावल थी। उस दौर में चीन से तिब्बत तक चावल पहुंचाना आसान नहीं था। तिब्बत के ल्हासा से चीन का सबसे करीबी शहर चेंगदू करीब 2,041 किलोमीटर दूर था। आज भले ही चीन ने तिब्बत में सड़कों का जाल बिछा लिया हो लेकिन उस दौर में चीन के लिए सड़क के रास्ते हजारों टन चावल पहुंचाना आसान नहीं था। तभी चीनी नेताओं के दिमाग में एक आइडिया आया। ल्हासा से भारतीय शहरों की दूरी काफ़ी कम थी, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं कि कलिंगपोंग जहां ल्हासा से सिर्फ 389 किलोमीटर दूर था, वहीं ल्हासा से तवांग की दूरी महज 240 किलोमीटर थी। वहीं तिब्बत और भारत के बीच पहले से व्यापार होता आ रहा था, लिहाजा यहां आवागमन के लिए सड़कें भी चीन की तुलना में बेहतर थीं। याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मैं 1952 की बात कर रहा हूं। तब के चीन को आज के चीन के साथ चीन की तरह मत समझिएगा। तब चीन ना तो विकसित था ना इतना ताकतवर था। खैर, अपने सैनिकों तक चावल पहुंचाने के लिए चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 5 अप्रैल 1952 को भारत के राजदूत के एम पंडनीकर को तलब किया। चीन तिब्बत में अपने सैनिकों के लिए भारत से चावल की सप्लाई चाहता है। ये जानकारी जब नेहरू को मिली तो उन्होंने शुरुआत में इससे इनकार कर दिया, लेकिन अगले महीने ही नेहरू का रुख बदल गया। ये चावल विशुद्ध रूप से चीन की लाल सेना के लिए था जो तिब्बत में मासूम लोगों का खून बहा रही थी। नेहरू चीन के सैनिकों के लिए चावल की सप्लाई कर रहे हैं, ये खबर बहुत दिन तक दबी नहीं रह सकी। 21 जून 1952 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू से इस बारे में सवाल पूछा तो लोकतंत्र के रक्षक जवाहरलाल नेहरू ने सरासर झूठ बोल दिया। नेहरू के अंधभक्त, गुलाम और चमचे कोई सवाल उठाएं उसके पहले मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झूठ बोला था वो सर्वपल्ली गोपाल की सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में दर्ज है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि हजारों हजार पन्नों के इस सरकारी संकलन को इंदिरा गांधी सरकार की देखरेख में तैयार किया गया है। आइए देखते हैं कि सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 18 के पेज नंबर 485 पर क्या लिखा हुआ है। पत्रकार ने सवाल पूछा कि पंडित जी, क्या भारत ने चीन को चावल की सप्लाई की है? इस पर नेहरू ने उत्तर दिया कि चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं, स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में ही चावल भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये मुश्किल मार्ग है, यहाँ कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन चीन की ज़रूरत को देखते हुए
हम थोड़ी बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हो गए हैं। नेहरू इसके बाद बातों को घुमाते फिराते हैं और फिर कहते हैं कि चीन की सेना को इस चावल की बहुत ज़रूरत है और हम उनको जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें तिब्बत से बाहर भी देखना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस छोटे से बयान में नेहरू ने कितने सारे झूठ बोले। पहला झूठ ये कि 3,500 टन चावल कोई कम मात्रा नहीं होती, जैसा नेहरू कह रहे हैं। दूसरा झूठ ये कि रास्ता कठिन है, इसलिए हम कम मात्रा में चावल दे रहे हैं। और तीसरा झूठ ये कि हम चीनी सैनिकों को तिब्बत से बाहर देखना चाहते हैं। अगर सही में नेहरू तिब्बत को आज़ाद करवाना चाहते थे तो वो चीनी सैनिकों को चावल क्यों भेज रहे थे? नेहरू खुद मान रहे हैं कि चावल नहीं मिले तो चीनी सैनिक वहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे, फिर भी उन्होंने चावल भेज दिए। सोचिए, इतना सब होने के बाद भी ये दुनिया नेहरू को शांति, लोकतंत्र, आज़ादी और मानव अधिकारों का रक्षक मानती है। खैर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नेहरू यहीं नहीं रुके, वो तिब्बत में चीनी सेना को चावल देने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल तक पहुंचाने को तैयार हो गए। वो इसलिए क्योंकि 1954 तक आते आते वो दुनिया के सामने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले थे। 1 जुलाई 1954 को वो अपने विदेश सचिव को पत्र में लिखते हैं कि हमने पहले ही ये घोषणा की थी कि परिवहन की कठिनाई की वजह से चीन के साथ अधिक व्यापार की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन मेरा मानना है कि ये सही नहीं है। हमें जितना हो सके उतने व्यापार की अनुमति देना चाहिए। परिवहन की मुश्किलें स्वयं व्यापार को सीमित कर देंगी। हम पेट्रोल और डीजल का भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा कम होना चाहिए। तो ध्यान दिया आपने, आखिर किसे तिब्बत में पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत थी? तिब्बत में कौन पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करता था? क्या याक की सवारी करने वाले सीधे साधे तिब्बतियों को पेट्रोल और डीजल चाहिए था? मैं जानता हूं कि आप बहुत समझदार हैं और मुझे इस सवाल का जवाब देने की कतई ज़रूरत नहीं है कि ये पेट्रोल डीजल किसके लिए भेजा गया था। खैर, इसी साल यानी 1954 के जुलाई के आखिर में नेहरू ने एक बार फिर अपने विदेश सचिव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा स्पष्ट मानना है कि हमें चीन को किसी भी मात्रा में चावल बेचने के लिए सहमत हो जाना चाहिए। हमें एक विशाल मात्रा में चावल का स्टॉक प्राप्त हुआ है। यदि चीनी तिब्बत को चावल पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इस पर भी आपत्ति नहीं करना चाहिए। चीन को चावल देना हमारी स्वास्थ्य खाद्य नीति के लिए उचित होगा। किसी को आए ना आए, लेकिन मुझे इस बात पर बहुत शर्म आती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री उन खूनी सैनिकों का पूरे 3 साल तक पेट भरता रहा जो दुनिया की सबसे मासूम कौम को कुचल रहे थे। अगर आप तिब्बत पर थोड़ा सा भी अध्ययन कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको यह एहसास हो जाएगा कि उस वक्त पूरी दुनिया में तिब्बतियों से मासूम कौम कोई नहीं थी। कभी समय मिले तो ऑस्ट्रिया के महान लेखक और पर्वतारोही हेनरिक हेरर की किताब 7 Years in Tibet पढ़िएगा। उन्होंने 1944 से लेकर 1951 तक 7 साल तिब्बत में गुजारे थे और वो दलाई लामा के पहले शिक्षक भी थे। उन्होंने खुद देखा था कि कैसे माओ के सैनिकों ने तिब्बत में हैवानियत का नंगा नाच किया था। इस किताब को पढ़कर पत्थर दिल इंसान की आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। इस किताब को पढ़कर आपको एहसास होगा कि उस दौर में तिब्बतियों से प्यारा, सच्चा, सीधा और सरल इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं था। खैर, चलिए वापस आते हैं मुद्दे पे। हमारे दरिया दिल प्रधानमंत्री ने हजारों हजार किलो चावल अपने दुश्मन के सैनिकों तक पहुंचा दिए, लेकिन वो तिब्बतियों पर फूटी कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते थे। चीनी कब्जे के खिलाफ कुछ तिब्बती संगठनों ने आवाज़ उठाने के लिए भारत से आर्थिक मदद मांगी। तब नेहरू का क्या रुख था, इस बारे में लिखा है वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी ने अपनी किताब भारत चीन संबंध में। शौरी लिखते हैं कि सितंबर 1952 में ल्हासा में मौजूद भारतीय शिष्टमंडल ने रिपोर्ट भेजी कि यहाँ अशांति का माहौल है और तिब्बतियों के कई विद्रोही दल उभर चुके हैं। उनमें से एक दल हमसे सिर्फ 2 लाख रुपए की मदद मांग रहा है। इस रिपोर्ट को पढ़कर नेहरू बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने शिष्टमंडल को तार भेजा जिसमें लिखा था कि हम तिब्बत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हमें चीन के खिलाफ कोई भी गुप्त साजिश नहीं करना है। यह व्यवहारिक और नैतिक दोनों रूप से गलत होगा। हमें तिब्बतियों को 2 लाख रुपए की मांग पर दुनिया के नजरिए से समझना चाहिए, जो हमारे तिब्बती मित्र नहीं समझ सकते हैं। तो चाचा नेहरू की बात का मतलब यह है कि हम हैवानों का पेट तो भर सकते हैं, लेकिन मजलूमों की मदद नहीं कर सकते। सोचिए, अगर हमारे दरिया दिल प्रधानमंत्री चीन की फौज को चावल नहीं देते और तिब्बतियों की मदद करते तो क्या चीन इतनी आसानी से तिब्बत पर काबिज रह पाता? नेहरू तिब्बत की आवाज़ को पूरी तरह से दबा देना चाहते थे,
यही वजह है कि जब हमारे देश के कुछ सामाजिक संगठनों ने 12 सितंबर 1953 को तिब्बत दिवस मनाने का फैसला लिया तो नेहरू उसे भी कुचल देने पर उतारू हो गए। उन्होंने 24 अगस्त 1953 को कांग्रेस के महासचिव बलवंत राय मेहता के नाम पर एक पत्र लिखा जिसमें वो कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने तिब्बत दिवस मनाने का ऐलान किया है क्या उनमें कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हैं। मैं साफ करना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य तिब्बत दिवस के आंदोलन में शामिल नहीं होगा। यह चीन के खिलाफ हमारा गैर दोस्ताना व्यवहार होगा। यह हमारी चीन के प्रति निभाई जा रही नीति के खिलाफ भी होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये बता देना चाहिए कि वो तिब्बत दिवस के आंदोलन से दूर रहें और इसे मैं कल पार्टी की बैठक में भी बता दूंगा। लोकतंत्र के रक्षक कहे जाने वाले नेहरू तिब्बत के समर्थन में होने वाले हर जन आंदोलन को कुचल रहे थे। आज नेहरू के कुछ अंधभक्त मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मीडिया का गला घोटा जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि चाचा नेहरू 1950 के दशक में ही मीडिया का गला घोट चुके थे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि 20 साल तक नेहरू के सचिव रहे एम ओ मथाई ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे चीन का विरोध और तिब्बत का समर्थन करने वाले एक पत्रकार को नेहरू ने नौकरी से निकलवा दिया था। मथाई ने अपनी किताब में लिखा है कि चीन में भारत के राजदूत पन्नीकर ने नेहरू को एक पत्र लिखकर यह जानकारी दी कि समाचार एजेंसी पीटीआई का एक वरिष्ठ पत्रकार हांगकांग से भारत में खबरें भेजता है। पन्नीकर ने लिखा कि इन खबरों से चीन को नुकसान पहुंच रहा है। ध्यान दीजिएगा, भारत को नहीं बल्कि चीन को नुकसान पहुंच रहा है। मथाई आगे लिखते हैं कि नेहरू ने उन्हें कहा कि वो पन्नीकर का खत पीटीआई के प्रमुख के एस रामचंद्रन तक पहुंचा दें और उन्हें बता दें कि वो पत्रकार के इस अनैतिक कार्य को मंजूर नहीं करेंगे। रामचंद्रन ने वादा किया कि वो उस पत्रकार द्वारा भेजी जाने वाली किसी भी खबर को जारी नहीं करेंगे। बाद में पीटीआई ने उस पत्रकार को हांगकांग से हटा दिया। तो सुना आपने, मथाई के मुताबिक जो पत्रकार नेहरू के दोस्त चीन के खिलाफ लिखता था नेहरू उसे नौकरी से हटवा देते थे। कॉमरेड नेहरू की चीन से ये मोहब्बत के ऐसे कई राज बाकी हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेहरू के चेलों ने सरकारी पत्र में सिर्फ एक शब्द को बदलकर चीन के हाथों में तिब्बत को सौंप दिया। वो साजिश किसने रची थी ये 70 साल बाद भी एक राज है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर का मामला यूएन में ले जाने वाले नेहरू ने तिब्बत के मामले को यूएन में क्यों नहीं उठने दिया। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।